आज बेंगलोर का वेदर काफ़ी अच्छा है और देखो आप कितना अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीनरी है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस क्राफ्ट। कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि हम DIY नहीं बनाएंगे बल्कि घर को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है वो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आपकी डेली लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। और ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जब आप यूज़ करोगे तो आप बिलीव करो, आप मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि ये बहुत ही आपके काम को आसान बना देंगे। मैं पर्सनली इन सारी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। सारे के सारे स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम किचन में अपनी सेल्फ में सामान इस तरह से स्टोर करके रखते हैं तो आगे का सामान तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब हमें पीछे से कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो पहले हमें पूरा सामान हटाना पड़ता है और तभी हम पीछे से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाया है जिससे आप इजीली चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है और उसमें कुछ पर्ल इस तरह से डाल दिए और दूसरी प्लेट को रख दिया है। तो आप देख सकते हो ये एक रोटेटिंग हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है जिसमें हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख देंगे और जब हमें पीछे से कुछ भी चाहिए होगा तो हम इस तरह से इसको रोटेट करके वो चीज़ वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही काम का, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है। तो अब चलते हैं अपने सेकेंड ट्रिक की तरफ। तो सेकेंड ट्रिक्स में क्या होगा, जब बच्चे कभी चिप्स के पैकेट खाते हैं, कुछ चिप्स बच जाते हैं या स्नैक्स वगैरह जब भी खाते हैं तो पैकेट इस इधर उधर कहाँ हम उनको रखें हमें समझ में नहीं आता है, तो इसको भी आप इस तरीके से क्लिप लगा करके, कुछ मार्केट में आते हैं हुक्स, उनको आप ऐसे किचन में जो सेल्फ होते हैं उनके डोर में चिपका सकते हैं, या फिर जो ऐसे ये हुक्स आते हैं ये डोर में ऐसे फिक्स ऊपर से आप इनको टांग सकते हैं, आपको इसके लिए नेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली इसको ऐसे इस तरीके से आप देखिए ये हैंग हो जाते हैं, तो इनमें भी आप इस तरह से क्लिप की हेल्प से इन पैकेट्स को हैंग कर सकते हैं। थर्ड हमारी जो टिप्स है उसमें, जब हम अपने दुपट्टों को इस तरह से तही लगा के रखते हैं और उनको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक हैंगर लिया है जिसको कि मैंने ऊपर से खोल लिया है। अब ये कुछ जो मजबूत वाली बैंगल हैं उनको मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। पतली वाली बैंगल नहीं डालेंगे, थोड़ी मोटी वाली जो अच्छी मजबूत बैंगल हो उनको आप इसमें डाल दीजिए और फिर इसको हम ऊपर से हैंगर को बंद कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने बैंगल्स डाली हैं उन सभी बैंगल्स में हम एक एक दुपट्टे को इसमें डालते जाएंगे और इस तरह से ढेर सारे दुपट्टे हम इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर सेट कर सकते हैं और जब हमें ज़रूरत हो बहुत ही आसानी से हम उनको निकाल भी सकते हैं। कोई भी सामान भी हमारा मिसअप नहीं होगा और एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज होके रहेंगे और ये हमारे कबर्ड में बहुत ही कम स्पेस में हैंग हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे सारे दुपट्टे इस एक हैंगर में हैंग हो गए। अभी तो इसमें हम और भी बहुत ज़्यादा स्पेस बाकी है तो कई सारे और भी टांग सकते हैं। तो देखा आपने कितने कम स्पेस में हमारे सारे दुपट्टे ऑर्गेनाइज हो गए हैं और इनको आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपने फोर्थ हैक की तरफ। तो यहाँ पर जब भी हम ज्वेलरी पीसेस को कुछ इस तरीके से नेक पीसेस को रखते हैं तो वो सब आपस में उलझ जाते हैं और उनका टूटने का भी खतरा रहता है, मतलब टूट सकते हैं वो। तो इनको इस तरह से ना रख करके मैंने अगेन यहाँ पर एक हैंगर को ऊपर से ओपन कर लिया है जिसमें कि हम अपने सारे नेक पीसेस को अंदर डाल देंगे
और इसको भी कुछ कबर्ड में इस तरह से बहुत ही कम स्पेस में ये हमारा सेट हो जाएगा। चाहो तो आप इसको कबर्ड में ही इस तरह से हैंग कर सकते हो, या फिर अपने ड्रेसिंग जो ड्रेसिंग का डोर होता है उसमें, जो मैंने आपको पहले इस तरीके का हैंगिंग वाले जो हैंगर्स दिखाए थे उसके थ्रू आप ऐसे भी हैंग करके रख सकते हो। तो ये भी बहुत ही काम का टिप है। आज का सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप, जैसे कि हम अपने चार्जर जब रखते हैं तो वो कुछ इस तरह से उनके वायर ज़मीन में पड़े रहते हैं और ख़राब हो जाते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो हम उसी के लिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। ये बस 2 मिनट में ही बन जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा, और आपका जो चार्जर है वो भी अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा, वायर ख़राब भी नहीं होगा और देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए बना लेते हैं। मैंने एक प्लास्टिक बॉटल को ली है और उसको इस तरह से उसमें निशान बना लिया और उस हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। अब चाहो तो आप इसको इसी तरीके से हैंग कर सकते हो, या फिर आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हो। उससे पहले हम इसमें चार्जर लगाने के लिए इसमें एक होल बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने पहले चार्जर को रख के उसी हिसाब से इसमें निशान बना लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे ही रख लो या थोड़ा सा डेकोरेट कर लो। मेरे पास कुछ पेपर वगैरह पड़े हुए हैं तो मैं उसी से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी। अगर आप इसको ऐसे भी यूज़ करोगे तो भी ये ख़राब नहीं लगेगा, ठीक ही लगेगा। तो चलो मैं इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पेपर रखा हुआ था, उसी से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो सिंपली फेविकोल लगा के हमें पूरे में इसको पेपर को चिपकाना है और उसी से हमें इसको पूरा कवर कर लेना है। पेपर लगाने से बेसिकली थोड़ा सा इसका लुक अच्छा हो जाएगा और कुछ नहीं है। आप सिंपल, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप प्लेन पेपर भी लगा सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर बहुत सारे तरीके हैं। आप एक्रेलिक पेंट से भी इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन ये सबसे इजी और आसान तरीका है। इसको किसी पेपर से कवर कर देंगे और ये बहुत ही सुंदर सा हमारा ये बहुत ही काम का DIY बन करके तैयार हो जाएगा। आपने 2 मिनट में बन गया ना हमारा ये कितना सुंदर सा चार्जर होल्डर या मोबाइल होल्डर, जो भी आप इसको कह लो। अब बस इसको हमें हैंग करना है, तो हैंग करने के लिए आप डबल साइडेड टेप से भी इसको हैंग कर सकते हो। तो मैंने बस पीछे की साइड में इसमें डबल साइडेड टेप लगा दिया और बस हम इसको चिपका देंगे वॉल में, और बस इसमें हम अपना चार्जर इस तरह से रख सकते हैं। अभी तो वह नीचे ही लटका हुआ है, बट मैं इसको आपको इसके अंदर भी रख करके दिखाती हूँ। जब आपको चार्जर यूज़ करना है आप इस तरह से यूज़ कर लीजिए, और जब इसको यूज़ नहीं करना है तो इसके वायर को इसके अंदर रख दीजिए। अगर आपको इसमें मोबाइल भी सेट करना है तो आप थोड़ा और बड़ा सा इसको आगे से कट कर लगा दीजिए, उससे आप इसमें मोबाइल भी रख सकें। तो आज के सारे टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट में लिख के बताइए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।